नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और यहां पर सियासत कितनी गरमाई हुई है इस बात का अंदाज़ा शायद हमें और आपको भी नहीं। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से नई नई रणनीतियाँ बना रहा है, अपने अपने तरीके से टिकट का वितरण हो रहा है, अपने अपने तरीके से टिकट का बंटवारा हो रहा है, अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इस बार सरकार कौन बनाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, या फिर थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरा मोर्चा सत्ता में आएगा? फिलहाल अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों जो सीटें हैं वो मैटर करती हैं कि आखिर सरकार बनेगी किसकी, आखिर सत्ता गरम कितनी होगी और सियासत और किस तरह से नए नए करवट बदलेगी। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो को देखें तो बिहार की राजनीति में गजब का उलटफेर देखने को मिल रहा है। बिहार की उन 40 सीटों का भविष्य क्या होगा ये फिलहाल तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। बिहार की वो 40 सीटें लेकर कौन जाएगा ये भी फिलहाल तय कर पाना मुश्किल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने 17 उम्मीदवार यानी कि NDA के गठबंधन अगर माने LJP, भारतीय जनता पार्टी और JDU, अब ये तीनों का गठबंधन होकर 17-17-6 का रेशियो बना, यानी कि BJP 17 उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है, 17 उम्मीदवार JDU के खाते में हैं और 6 सीटें रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ में गई। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो सपा बसपा गठबंधन है, यहाँ पर रालोद का गठबंधन है, तो ये सारे जो गठबंधन हैं ये कहीं ना कहीं मिलकर एक सियासी खेल तो खेलते ही। अब बिहार की राजनीति में हुआ क्या है कि अमित शाह का दिमाग तो बड़ा तेज चलता है ये तो हम मानते हैं। कांग्रेस के टाइम में लोग कहते हैं तड़ी पार रहने वाले अमित शाह अब BJP की गोटी इस तरह से फिट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर सियासत बनेगी किसकी और कौन यहाँ पर बाजी मारेगा। फिलहाल अगर आप बिहार की राजनीति पर नज़र डालें तो दो बड़े नेताओं का पत्ता जो काटा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसने तीन बड़े बल्कि हम तीन नेता कह सकते हैं, एक को तो आपने एक तरह से सूली पर चढ़ाया हुआ है और उस नेता का नाम है गिरिराज सिंह, जो नवादा सीट से लड़कर अच्छी खासी जीत दर्ज कर सकते थे लेकिन गिरिराज सिंह का पत्ता काट कर आपने बेगूसराय पर उनको खड़ा कर दिया। या तो आप उनका राजनीतिक करियर ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से खड़े हो रहे हैं कन्हैया कुमार, या फिर गिरिराज सिंह को आप असल में टेस्ट करना है क्योंकि एक जीती जिताई सीट से हटाकर अगर बेगूसराय का आपने गिरिराज को टिकट दिया और गिरिराज का दर्द भी छलका, गिरिराज ने कहा कि भाई मुझे बताना तो चाहिए था और अगर मैं नवादा से लड़ना चाहता हूँ वहाँ से मैं जीत सकता हूँ तो आखिर क्यों नहीं मुझे यहाँ पर जीत दर्ज कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर में तो BJP ने गजब की गोटियाँ ही फिट कर दी, यहाँ पर जो आपका जो वजीर था आपने उसी को हटा दिया, आपने वो सीट पता नहीं गठबंधन था या नीतीश कुमार से प्यार था अमित शाह का, क्या चीज़ थी वो सियासत समझ से पार है, लेकिन जो एक भागलपुर से जीत सकते थे, पिछली बार हार जरूर हुई थी हम ये मानते हैं शाहनवाज हुसैन की, ना हम सपोर्ट करने तो कोई नहीं बैठा, लेकिन शाहनवाज हुसैन का पत्ता जो काटा है, जो उन्होंने जो सेवानिवृत्त थे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वफादार नेताओं में गिने जाते हैं, आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स में उन्हें डिबेट करते हुए भी देखा होगा, शाहनवाज हुसैन का पत्ता जो है वो कट कर दिया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने। अब उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पटना साहिब से लाजमी तौर पर टिकट काटा गया यहाँ पर पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता कटने के बाद ये बात तय हो गई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ अलग सोच रही है। 70+ के उम्मीदवारों को वो टिकट नहीं देना चाहते और हारे हुए प्रत्याशियों पर वो दाव नहीं लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में तो ये तक बात चल रही है कि भैया जो 10 सांसद जीते हुए हैं उनको भी हटा दिया जाए, लेकिन आखिरकार शाहनवाज के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों? भागलपुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भागलपुर के लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन शाहनवाज को हटाने का ये अब क्या दिमाग है, हिंदुत्व की राजनीति क्या करना चाहते हैं ये तो समझ से पार है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि शाहनवाज जो हैं वो डिज़र्व करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो सेवानिवृत्त थे। अमूमन जब आप देखेंगे कि पार्टी जब इस तरह की चीज़ें करती है तो बयानबाजी सामने आती है, तो ये साफ तौर पर अभी तक शाहनवाज हुसैन की ज़बान से इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अब भागलपुर की सीट तो गई JDU के हाथ में, अररिया सीट की बात थी लेकिन अररिया सीट भी उनको नहीं पकड़ाई गई यानी कि बिहार से वो नहीं लड़ेंगे।
बाकी स्टेट से लड़ने के चांसेस कम हैं, क्या यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे या फिर आरजेडी की तरफ वहाँ पर झुकाव हो जाएगा, क्योंकि भागलपुर की सीट तो आरजेडी के हाथ लगी थी साल 2014 में। अभी बात समझने की है कि आखिरकार क्यों एक अच्छे नेता को, एक वफादार नेता को पार्टी ने इस तरह से निष्कासित कर दिया, क्यों एक अच्छे नेता को पार्टी ने चुनाव नहीं लड़वाने का फैसला किया और किस तरह से यहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आई। हालांकि शाहनवाज हुसैन को कांग्रेस से भी ऑफर, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक शाहनवाज की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। लेकिन अगर राहुल गांधी का हाथ उनके सिर पर रखा गया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए भागलपुर जीतना मुश्किल हो जाएगा और आसपास के इलाके चंपारण हो गया, उसके बाद कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है पड़ेगा। अब देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी यहाँ पर इन मुद्दों को भुनाएगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 News को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।